सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2018 मॉडल पेपर कोड 504 सेट सी। हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि जो मॉडल पेपर 504 का सेट सी रह गया था वो लेके आओ, तो चलिए आपकी डिमांड आज पूरी कर दी है। और ये मॉडल पेपर 504 का सेट सी है। और इसके बाद मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का और क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दूंगी, तो एक आपको पैटर्न मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है और आते हैं। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है। 70 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका ना। पहला क्वेश्चन जो होता है वो एमसीक्यू होता है। तो पहला क्वेश्चन ले लेती हूँ। श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? आंसर इसमें सामने ही है। यानी श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है? तो ऐसी सामग्री जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं ना, जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम देखते भी और सुनते हैं। दोनों जो काम होते हैं देखने सुनने का साथ में होता है ना। तो इसका उपयोग किस आधार पर महत्वपूर्ण है? तो इंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार का। यानी इंद्रिय हमारी आंखें जो हैं, हमारे कान जो हैं, इंद्रियों के अंतर्गत ही तो आते हैं। तो दोनों का जो संबंध होता है इससे होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो अगर इसका फार्मूला आपको पता है तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला वही होता है, इसमें जितनी भुजा की लंबाई दी हुई होती है और एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो आपको 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। राइट आंसर 8 हो जाएगा। तो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन की कॉपी पर खींची रेखा की लंबाई या छोटी बस की लंबाई ज्ञात करना हो तो कितने सेंटीमीटर के स्केल का चुनाव करना उपयुक्त होगा? तो देखिए, कॉपी पर जनरली हम जिस भी स्केल से रेखा खींचते हैं तो आपको पता है स्कूल वगैरह ले जाते हैं, तो उसकी पूरी लेंथ जो होती है कितने सेंटीमीटर की होती है? 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 15 सेंटीमीटर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ सभी अंक केंद्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? जहाँ सभी अंक केंद्रित होते हैं, बहुत ही सिंपल सा जवाब है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। केंद्र यानी केंद्र और अंक केंद्रित होते हैं, तो इससे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। निम्न में से क्या असत्य है? समद्विबाह त्रिभुज, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाह त्रिभुज कहते हैं क्या? विषमवाय त्रिभुज, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। समवाय त्रिभुज, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। और वृत्ताकार त्रिभुज, वृत्त के अंदर बना त्रिभुज। तो असत्य क्या है? वृत्ताकार त्रिभुज का मतलब नहीं होता है कि वृत्त के अंदर जो बना त्रिभुज होता है उसका मतलब वृत्ताकार त्रिभुज हो गया। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा असत्य हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्न में से कौन समांतर त्रिभुज के लिए शब्द नहीं है? समांतर त्रिभुज के लिए सदृश समांतर त्रिभुज के बारे में भी आप जानते हैं कि समांतर त्रिभुज क्या है। तो इनमें से जो लिखा है उनमें से जो नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूलर और कंपास के द्वारा किस कोण की रचना की जाती है? यदि आपके पास रूलर और कंपास है तो आप किस कोण को बनाएंगे? तो आंसर सी जो है वो राइट आंसर होगा, 37.5। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 माप का है तो अन्य दो कोणों को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखाओं के बीच का कोण कौन सा होगा? आपको बताना है। तो आंसर इज डी, राइट 155। त्रिभुज के तीनों कोण 5 अनुपात 3 अनुपात 7 में है, तो निम्न में से कौन सा त्रिभुज होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर ए इसका हो जाएगा, न्यून कोण। छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो जो शिक्षण विधि है वो सबसे मतलब कि मनोरंजक होनी चाहिए। छोटे बच्चों की बात चल रही है तो खेल व मनोरंजन हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, अब आपका खंड बी ले लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। आधार पत्र क्या है समझाइए, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नैदानिक परीक्षण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा है, उपलब्ध परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? गणित में उपलब्ध परीक्षण के उपयोगों को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं का आपको वर्णन करना होगा। फोन नंबर ले लेते हैं कि गणित में रूप दे परीक्षण व योग दे परीक्षण से आप क्या समझते हैं? रूप दे परीक्षण, योग दे परीक्षण। और इसमें देखिए अथवा ये दिया हुआ है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अथवा संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब ये क्वेश्चंस एक ही है, पहले मैं क्लियर कर दूं। जिसे आप रूप दे कहते हैं उसका दूसरा नाम संरचनात्मक है, ठीक है।
और योग देव का दूसरा नाम योगात्मक है। तो यदि क्वेश्चन रूप देव योग देव ना आके आ जाता है संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, तो आंसर यही होगा। इसीलिए मैंने अथवा यहाँ पे लिख दिया है, दोनों क्वेश्चन एक ही है फोन नंबर पे, ठीक है। फिफ्थ नंबर का है, बीज गणित सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को आने वाली कठिनाइयां एवं उनका निराकरण को संक्षेप में समझाइए। और हो सकता है ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ सकता है, यहाँ पे संक्षेप में, वहां पे विस्तार में हो जाएगा। एक चर वाले समीकरण के नियमों को आपको समझाना है, बताना है एक चर वाले समीकरण कौन से होते हैं और आंकड़ों का संकलन कैसे किया जाता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों को समझाना है, ये आपका सांख्यिकी से है और आपके इसमें भी है ही है सांख्यिकी। मापन क्या है, दैनिक जीवन में मापन मात्रकों की आवश्यकता एवं महत्व बताना है आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। मापन का तो हो ही गया है, मापन क्या है, दैनिक जीवन में मापक यंत्रों की आवश्यकता है, महत्व बताइए। और 9 नंबर का, गणित शिक्षण में अधिगम सामग्री के प्रकार एवं उनके प्रमुख उपयोगों का उल्लेख कीजिए। अथवा यानी या तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि गणित शिक्षण में अधिगम सामग्री के प्रकार एवं उनके उपयोग का वर्णन कीजिए, बताइए क्या है अधिगम सामग्री, कितने प्रकार की होती है, उनका उपयोग आप कैसे करेंगे। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछ सकता है कि गणित शिक्षण में अधिगम के लिए कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग होता है, यानी दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर वही होगा आपका। 10 नंबर का क्वेश्चन है, गणित अधिगम को किस प्रकार से अधिक चुनौतीपूर्ण एवं संतोषजनक बनाया जा सकता है, अब आपको ये बताना है। ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगता है आपका, इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन कभी कभी दिल से आवाज आती है और लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आंकड़ों का संकलन कैसे किया जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े हैं, मापन का क्या यूज है, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, गणित शिक्षण में अधिगम और ये 4 क्वेश्चन जो है मुझे वेरी इंपॉर्टेंट लगते हैं इसमें, लेकिन पढ़ना आपको सभी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें ताकि जो भी न्यू वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। कि शिक्षक विद्यालय की आत्मा है, इस कथन की व्याख्या गणित शिक्षक के संदर्भ में कीजिए अथवा एक अच्छे गणित शिक्षक की कौन कौन सी विशेषताएं होती है विवेचना कीजिए। इससे 2 क्वेश्चन तोड़ के अभी बनाया जा सकता है, हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो हो सकता है ये आपका दीर्घ वाले में भी कर दे, या एक छोटा क्वेश्चन बना दे कि शिक्षक विद्यालय की आत्मा है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, या फिर शिक्षक की विशेषताएं लिखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अच्छे गणित शिक्षक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये भी क्वेश्चन अलग करके पूछ सकता है, तो आंसर सभी के एक होंगे। चलिए अब देख लेते हैं खंड सा जो आपका है, सेक्शन सी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 2 प्रश्न आपको इसमें करने होंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन है गणित शिक्षण में सवाल एवं निर्बल पक्ष की, सॉरी ये सबल होगा, यहाँ पे इसे क्रॉस कर दीजिए, ओके। सबल एवं निर्बल पक्ष की पहचान कैसे करेंगे और इन बालकों को गणित पढ़ाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, इसका क्वेश्चन दूसरा भी बन सकता है कि गणित में जो सबल और निर्बल का मतलब होता है जो कमजोर छात्र होते हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे और जो कमजोर छात्र होते हैं उनको गणित पढ़ाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो इसका क्वेश्चन बहुत तरीके से इसको पूछ सकता है, तो माइंड में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं और गणित विषय हेतु नैदानिक मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम उदाहरण सही समझाना है आपको। तो नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक परीक्षण जो शिक्षण कार्यक्रम है इंपॉर्टेंट है आपका। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, हो सकता है क्वेश्चन इसमें भी पूछ सकता है या फिर शॉर्ट वाले में भी ये क्वेश्चन ला सकता है, और शॉर्ट के जो कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग बताया वो इसमें रख सकता है, बिल आपको पढ़ना सभी है। और फोन नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं कि परीक्षण की विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है और किसी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए, ओके। तो परीक्षण की विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है और किसी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विभिन्न विधियों की विवेचना करना है। तो फ्रेंड्स ये था आपका सेट C504 कोड का, और क्वेश्चन सभी इसमें इम्पॉर्टेंट है, MCQ जो आंसर है वो आपके इसी में दिए हुए हैं और जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप देख लीजिए। और यदि आपने अभी तक आंसर नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको लगते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं जो या तो PDF बना दूंगी और आपको अवेलेबल करवा दूंगी, या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैं PDF अवेलेबल करवा दूंगी, जैसा भी आप कहेंगे तो मैं इसका PDF अवेलेबल करवा दूंगी। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को क्या करना है आपको पता है, लाइक करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें ताकि जो भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।